पुराना रसोई है जो बागेश्वर धाम के इस पंडाल में बनाया गया है। और ये देखिए किस तरीके से जो कलश यात्रा में माताएं बहनें शामिल थी वो इस समय यहाँ प्रसाद के लिए लाइन लगा खड़ी है। और व्यवस्था इस समय कितनी चरमरा रही है क्योंकि भीड़ इतनी हो गई है, क्योंकि रिकॉर्ड यहाँ पे कलश यात्रा में माताएं बहनें शामिल हुई थी और करीब 50 से 55 हजार जो माताएं बहनें इस कलश यात्रा में शामिल हुई थी वो अब इस समय प्रसाद ले रही हैं। और देखिए एक नजरा आप भी देखिए किस तरीके से यहाँ भयंकर मारामारी है प्रसाद के लिए, क्योंकि बारिश से भी व्यवस्था थोड़ी बिगाड़ी है और पब्लिक के आगे कैसे लोग बेबस होते हैं ये देखिए जरा आप खुद देखिए किस तरीके से यहाँ व्यवस्था है। ये देखिए लगातार व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है यहाँ के जो वॉलेंटियर हैं, यहाँ के जो सेवादार हैं, मगर पब्लिक है कि अंदर बाहर कहीं पे नहीं छोड़ रही और किस तरीके से मारामारी हो रही है ये देखिए। व्यवस्था करने में इन जो सेवादार हैं इनकी व्यवस्था बिचारों की बहुत मेहनत है मगर लोग नहीं मान रहे। और ये देखिए रसोई है जहाँ पे 20,000 से 25,000 लोगों का यहाँ पे प्रसाद बनना था मगर पब्लिक इतनी है, महिलाएं बिल्कुल यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए किस तरीके से उतावली हैं ये देखिए। अन्नपूर्णा रसोई का नजारा, यहाँ प्रसाद जो बट रहा है उसकी ये हालत है। ये देखिए आखिर सेवादार कैसे करेंगे जब पब्लिक नहीं समझेगी, माताएं बहने नहीं समझेंगी। ये देखिए ये अन्नपूर्णा रसोई का नजारा है, पब्लिक ने यहाँ सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी है, प्रसाद के लिए यहाँ मारामारी मचा रखी है। और अगर ऐसे ही ये लोग करेंगे तो आखिर 3 दिन कैसे संभलेगा। हम अन्नपूर्णा रसोई का एक नजारा आपको दिखाते हैं, आइए। वो भी कि वहाँ पे लगातार प्रसाद बनाने का काम चल रहा है और लोगों को प्रसाद पूरा मिले, हर व्यक्ति तक प्रसाद पहुँचे इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। ये देखिए ये हमारे एक सेवादार और हैं जो यहाँ पे अन्नपूर्णा रसोई का पूरा विवरण देख रहे हैं। ये देखिए प्रसाद लगातार यहाँ प्रसाद बना रहे हैं ये लोग और पब्लिक है कि वो मान नहीं रही है। इनकी कोशिश है कि हर व्यक्ति तक प्रसाद पहुंचे, कोई बिना प्रसाद के ना जाए, मगर व्यवस्था पब्लिक के हाथ में होती है और सेवादार अपनी सेवा देते हैं मगर लोग नहीं मान रहे और हालात अब थोड़े से बिगड़ने वाले हो रहे हैं क्योंकि पब्लिक की ये दिक्कत हो रही है। पब्लिक ऐसा कर रही है, इनकी सेवा अपनी तरफ से सुचारू रूप से चल रही है और बारिश की वजह से भी थोड़ी व्यवस्था बिगड़ी है मगर काम लगातार चल रहा है। ये देखिए बाहर नजारा अन्नपूर्णा रसोई में किस तरीके से प्रसाद बन रहा है वो हमने आपको दिखाया। अब लोगों के प्रसाद लेने का तरीका जरा देखिए, जो बागेश्वर धाम सरकार की कथा होनी है हनुमंत कथा उसका नजारा है। और यहाँ पे अन्नपूर्णा रसोई जहाँ पे लोगों के लिए प्रसाद बनना था उसका नजारा है।